नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, हम लोग जो एनवायरनमेंट की पूरी सीरीज चला रहे हैं प्लस जो मैप वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कितने एलिफेंट रिजर्व हैं पूरे इंडिया में, कितने स्टेट में फैले हुए हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में, और प्लस एलिफेंट की इस समय करंट पॉपुलेशन क्या है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूपी पीसीएस में इस बार फॉरेस्ट वाला भी आएगा, तो इसीलिए आपका एनवायरनमेंट वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है इस बार। इन्वायरमेंट के लिए मैं अभी तक टाइगर रिजर्व पूरा बता चुका हूँ मैप वाइज, बायोस्फीयर रिजर्व पूरे बता चुका हूँ, प्लस आपको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ जो हमारा ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो बता चुका हूँ पूरा, प्लस रामसर जितने भी हैं साइट वेटलैंड हैं वो सब बता चुका हूँ, और नेशनल पार्क बता चुका हूँ, ये सब बता चुका हूँ, आप इसको वीडियो देख लीजिएगा। इसमें हम लोग ये एलिफेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि जो हाथी हैं वो इंडिया में 16 स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है, करेंटली, और इनकी पॉपुलेशन करीबन इस समय, अभी देखिए ये 2007 का है, ये 2012 का है, अभी लेटेस्ट एक 2017 में सेंसस आया था, उसके अगर आप फैक्ट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पूरा मिला के 27,000 टोटल पॉपुलेशन उनकी आकी गई थी, 27,302, ठीक है। तो पूरे इंडिया में कितने हाथी हैं, 27,302 हाथी हैं। एक अभी एलिफेंट का सेंसस हुआ था और रिपोर्ट आई थी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की, उसके हिसाब से कर्नाटका में हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट है, करीबन 6,000 हैं, उसके बाद है सेकंड नंबर पे असम में और थर्ड नंबर पे केरल में। ये तीन चीज़ आप याद रखिएगा। तो एलिफेंट के लिए टॉप थ्री स्टेट कौन कौन से हैं, कर्नाटका हो गया आपका, ठीक है, नंबर सेकंड कौन सा हो गया, असम हो गया, और नंबर थर्ड हो गया केरला। तो तीन ये स्टेट जो हैं ये आपके टॉप थ्री एलिफेंट में है। अच्छा, कर्नाटका के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट भी पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर भी पाए जाते हैं, ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। अब उसके बाद देखिए, ये टोटल अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे ये एलिफेंट की तो कितनी है, टोटल 27,000 है, और इसके लिए अगर आप देखें तो ये यहाँ पे 16 स्टेट में इनके रिजर्व हैं। टोटल मिला के एलिफेंट के लिए क्या किया गया है कि 10 जोन है, हर जोन में कुछ कुछ रिजर्व हैं, टोटल 32 रिजर्व हैं एलिफेंट के अभी तक, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे कर्नाटका में इस समय हाईएस्ट पॉपुलेशन है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। और जो 10 रिजर्व हैं, अब देखिए एक प्रोजेक्ट एलिफेंट भी स्टार्ट किया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट कब किया गया था, 1992 में, ठीक है। ये बेसिक पर्पस वही होता है, एलिफेंट को बचाना, उनकी हैबिटेट को, कॉरिडोर को, प्लस जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको, उस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करना, और आपका वेलफेयर करना जो भी कैप्टिव एलिफेंट हैं। अब देखिए, टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर वो कब किया गया था, 1973 में, याद रखिएगा, और एलिफेंट वाला प्रोजेक्ट किया गया था 1992 में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जो टोटल रिजर्व की लिस्ट है वो देख लेते हैं, 10 मैंने बोला आपको, 10 जोन है एलिफेंट के, उसी में है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका जोन है ईस्ट सेंट्रल लैंडस्केप, यानी कि इसमें क्या क्या आता है, साउथ वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। तो इसमें कितने हैं एलिफेंट रिजर्व, इसमें 9 है, ठीक है। एक आपका मयूर झामा हो गया, मयूर झरना, ये वेस्ट बंगाल में है, और सिंहभूम है आपका झारखंड में, फिर मयूर भंज है आपका उड़ीसा में, महानदी एलिफेंट रिजर्व है उड़ीसा में, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व है उड़ीसा में, बैतामी एलिफेंट रिजर्व है उड़ीसा में, साउथ उड़ीसा में है, और लेमरू करके है छत्तीसगढ़ में, और बादल खोल तमोर पिंगला करके है, ये है छत्तीसगढ़ में। तो ये है सबसे पहला रिजर्व। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे दूसरा जो है आपका जोन कौन सा है, दूसरा जोन है आपका कामेंग सोनितपुर लैंडस्केप, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और असम में, कामेंग वाला हो गया और सोनितपुर हो गया। तीसरा कौन सा है, ईस्टर्न है, साउथ बैंक, ये है आपका लैंडस्केप, इसमें कौन कौन सा है, असम का है दिहिंग पतकई और साउथ अरुणाचल। अच्छा, असम में याद रखिएगा, असम में पूरे इंडिया में सेकंड नंबर के लार्जेस्ट एलिफेंट पाए जाते हैं, ठीक है। चौथा वाला है आपका काजीरंगा कार्बी एंगलोंग करके है, इसमें काजीरंगा कार्बी एंगलोंग ये असम में है, फिर धानसिरी लुंगडिंग करके असम में है, इंटांकी करके ये नागालैंड में है। फिर आपका पांचवा वाला जो एलिफेंट का रेंज है वो कौन सा है, वो है आपका ये नॉर्थ बंगाल ग्रेटर मानस लैंडस्केप है, चिरांग रिपू करके है असम में, ईस्टर्न डुआर्स करके ये वेस्ट बंगाल में है, मेघालय में दो हैं, गैरो खासी आपने देखा होगा जो इंडिया का मैप है, गैरो खासी जयंतिया इस तरह से हैं, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ये मेघालय में तीन हिल्स हैं, गैरो खासी और जयंतिया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि गैरो खासी जयंतिया यहाँ पे ट्राइब्स पाई जाती हैं, उन्हीं के नाम पे ये हिल्स लोकेटेड हैं, ठीक है। फिर ये सातवां जो यहाँ पे एलिफेंट का रेंज वो कौन सा है, वो है ब्रह्मगिरी नीलगिरी
और इसमें मैसूर वाला है कर्नाटक में, वयानाद है केरला में, नीलगिरी है तमिलनाडु में, रयालू है आंध्र प्रदेश में, नीलाम्बर है केरल में, और कोयम्बटूर है तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो आपकी आठवीं रेंज है वो कौन सी, अनामलाई नेलिमा पत्थी करके है, हाई ये लैंडस्केप रेंज है ये। अनामलाई तमिलनाडु में, अनामुडी है आपका केरल में, पेरियार अगस्त्यमलाई है, पेरियार केरला में है, और श्री श्रीविली पुथूर करके है तमिलनाडु में। नॉर्थ वेस्ट लैंडस्केप में देखिए, एक उत्तर प्रदेश में भी एलिफेंट रिजर्व है, ये जरूर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश पीसीएस जो भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम दे रहे हैं। और एक है शिवलिक करके एलिफेंट रिजर्व, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, तो दो हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में एक है, याद रखिएगा आप। एक चीज़ और ये देख लीजिए कि टोटल एरिया वाइज अगर बात करेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा ये आपका एलिफेंट रिजर्व है, तो सबसे बड़ा तो है मैसूर। ठीक है, ये आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे तो सबसे बड़ा है मैसूर, इसका एरिया है करीबन 6,724। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये मान लीजिए कभी पूछा जा सकता है। और सबसे छोटा वाला है वो है इंटांकी करके नागालैंड में। ठीक है, तो इसी के साथ ही एलिफेंट वाली इन्फॉर्मेशन खत्म हुई। आप लोगों जरूर देख लीजिएगा, मैंने टाइगर रिजर्व पूरे मैप में बताए हैं, इसका मैप नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं बता पाया उसको, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा 32 ये एलिफेंट रिजर्व हैं, 16 स्टेट में फैले हुए हैं। टॉप थ्री कौन से हैं, कर्नाटक असम, ठीक है, कर्नाटक असम और केरला, ये तीन है टॉप थ्री। सबसे बड़ा वाला रिजर्व कहाँ पे, मैसूर में, सबसे छोटा इंटांकी है आपका नागालैंड में, ये इतना जरूर याद रखिएगा। और इसके अलावा मैंने नेशनल पार्क का वीडियो बना रखा है, उसको देख लीजिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व का बना चुका हूँ, वेटलैंड का बना चुका हूँ, प्लस वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। और अभी और भी कॉन्टिनेंट वाइज बनाएंगे, एशिया की पूरी फिजिकल मैप, इंडिया का पूरा फिजिकल मैप, जितने भी कॉन्टिनेंट सबका। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।